जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, अभी एक ही हफ्ते पहले साल का पहला सूर्य ग्रहण निकला है और कुछ ही दिनों के बाद साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। दो ग्रहणों का एक साथ देश पर लगना किस प्रकार हमारे लिए संकट की घड़ियां शुरू कर सकता है या फिर हमारे भाग्य को चमका सकता है, इसी बारे में आज की वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगने जा रहा है। इसकी सही टाइमिंग क्या होगी, ये किन किन देशों में लगने वाला है, भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा या नहीं देगा, भारत में इसका सूतक मान्य होगा या नहीं होगा, दोस्तों इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगी। और अगर आप गर्भवती महिला है तो किन किन नियमों का आपको पालन करना होगा, कौन सी वो विशेष सावधानियां हैं जिनको आपको रखना बेहद आवश्यक है, इसलिए वीडियो को एक एक पार्ट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ध्यान से देखिएगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को यानी कि बुध पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। बुध पूर्णिमा के दिन लगने की वजह से इसके ग्रहों की दिशा किस तरह से हमारे ग्रहों को बिगाड़ सकता है या बना सकता है, इसी बारे में आज मैं वीडियो में विस्तार से आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो उपछाया चंद्र ग्रहण है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि उपछाया चंद्र ग्रहण होता क्या है। जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया नहीं पड़ती बल्कि उपछाया पड़ती है तो इसे ही उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और ऐसे चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पर आप हल्का सा जो है धब्बा देखेंगे, धुंधलापन देख सकते हैं और चंद्रमा का रंग मटमैला हो जाता है। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वे खास गर्भवती महिलाओं के लिए है। गर्भवती महिलाओं को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, अगर आप गर्भवती है तो 5 मई को चंद्र ग्रहण है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे में आपको 4 तारीख को ही ग्रहण काल लगने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर लाना होगा एक पानी वाला साबुत नारियल। इसके साथ ही आप लाएंगे लाल रंग का गेरू या फिर लाल रंग का चंदन। ये दो चीजें आपको 4 तारीख को ही खरीद कर अपने घर पर रख लेनी है। और आपको क्या करना होगा, गेरू का तो आप पेट पर लगाएंगे लेप और नारियल जो है उसको आपको रखना है अपने पास में या फिर आप उसे अपनी गोद में भी रख सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तुलसी के पत्ते भी आपको पहले से ही तोड़कर रख लेने हैं। ये काम आपको ठीक सूतक से पहले करना है। तुलसी के पत्तों को आप सारे खाद्य सामग्री में डाल दें, एक एक तुलसी का पत्ता आप डालते जाएं। और दूध और पीने की जो भी चीजें हैं यानी कि जूस हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, नारियल पानी कुछ भी अगर है तो उसमें आप पहले से ही तुलसी का पत्ता डाल देंगे। यानी कि आपको खाना नहीं खाना है, आप फलाहार कर सकते हैं और जूस दूध पानी ये सब आप ले सकते हैं। ग्रहण काल शुरू होने से पहले आपको ऐसा कर लेना है कि रूम में, उस रूम में आप बैठे जिसकी खिड़की से भी आपको चंद्रमा का प्रभाव या प्रकाश देखने को ना मिल पाए, आपको रूम में आराम से बैठ जाना है। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप धार्मिक किताबें पढ़ें, और अगर आप धार्मिक किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं तो मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ऐसे में सिर्फ सिंपल सी मैं चीज बता रही हूँ, गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी वही किया था। आप सिंपल सा गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप भजन कीर्तन कीजिए या फिर सियाराम का जाप कर सकते हैं। ग्रहण काल के समय आप सोए नहीं, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप लेट सकती हैं, बैठ सकती है, लेकिन सोए नहीं। ऐसे समय में आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव बातें सोचें। जो नारियल आपको मैंने बताया था उसे आप अपनी गोद में ही लेकर बैठी रहेंगी। अब अगर आपने साड़ी पहनी है तो साड़ी में, या फिर अगर सूट पहना है कहीं पर भी अगर आपने पिन लगाया है तो वो भी आप ग्रहण काल से पहले ही हटा देंगे। आप अपने पास में कोई भी नुकीली या धारदार चीज को पकड़ेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। ग्रहण शुरू होने से पहले ही आपको मंदिर के जो द्वार है, जो पट है या पर्दा है तो वो लगा देना है, और ग्रहण स्टार्ट हो जाए तो वहां पर आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। जब तक ग्रहण खत्म ना हो जाए आपको मूर्तियों को टच नहीं करना है, छूना नहीं है, इसे वर्जित माना जाता है। बस आप भगवान का नाम लें या कोई मंत्र का जाप करें या भजन सुन ले, लेकिन आप भगवान को छुए नहीं। दोस्तों, जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए तब आपको क्या करना है,
अब ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप अगर घर में गंगा जल है तो गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए, पूरे घर को पवित्र करें। घर के सभी सदस्य के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा गंगा जल जरूर डालिएगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव खत्म उससे पूरी तरह से हो जाएगा, क्योंकि गंगा जल से पवित्र कुछ भी नहीं है। और अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो ऐसे में आप स्नान करें, और स्नान करते समय आप ओम गंगाए नमः का जाप कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने पेट पर जो लाल रंग का चंदन या गेरू लगाया था उसे भी आप साफ कर लें, और जो नारियल आपने अपनी गोद में रखा था उसे आप किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित करवा सकते हैं। इन नियमों का आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। और एक चीज बता रही हूँ कि ग्रहण काल समाप्त होने के बाद मंदिर की साफ सफाई आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद आप घर के मंदिर में दीपक जलाएं, पूजा पाठ करें, और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ग्रहण काल समाप्त होने के बाद आपको दान जरूर करना है। अगर आप गर्भवती है तो ऐसी स्थिति में तो आप जरूर ही दान कीजिए। दान में आप चावल, गेहूं, पैसे, कपड़े कुछ भी दान कर सकती है। और अब मैं आपको बताती हूँ चंद्र ग्रहण की टाइमिंग। तो साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण जो कि 5 मई को लगने जा रहा है, बुध पूर्णिमा के दिन लगेगा, वो शुरू होगा रात को 8:46 से शुरू हो जाएगा, और जबकि वहीं 6 मई तक ये लगा रहेगा, और रात को यानी कि 1 बजे तक ये लगा रहने वाला है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत में इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो भारत में इस उपछाया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्भवती महिला के लिए ग्रहण कहीं भी लग रहा हो उतना ही खास होता है, उतना ही मान्य होता है। इसलिए इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। और अगर भारत में ग्रहण नहीं लग रहा है तो सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 8:30 से यानी कि 8:46 से लेकर रात को 1 बजे तक इन नियमों का पालन करना है। और घर के सभी लोग अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो सभी का पूर्ण रूप से कल्याण होगा। खास वीडियो है, ध्यान रखिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम।